them all the very best for the music launch. Thank you. And music तो हमेशा बहुत ही integral part रहा है हमारे country में, और मैं खुद ही music से ही बना हूँ 28 साल 29 साल, और लोग expect करते हैं कि अगर मैं किसी जगह जाता हूँ या मैं कोई film में काम कर रहा हूँ तो music अच्छा रहे. So I really wish you and your music all the very best. Thank you, sir. And barrel में आए हुए हैं, एंड मेरे राइट में पिया हैं, रोमन हैं. तो जैसे आजकल सुर्खियों में आप देख रहे हैं कि आई एम बैक इन टू डूइंग 6 फिल्म्स, तो हमारी भी एक छोटी तरीके से एक अनाउंसमेंट है कि नाइट एंड फॉग इज़ अ फिल्म, जो इंग्लिश फिल्म हम भी कर रहे हैं और शूट कर रहे हैं, सूफी अंदाज का फिल्म है. पिया इज़ प्लेइंग अ जर्नलिस्ट उसमें, आप लोगों की तरह, फज्र है उनका नाम. And she's playing my daughter in the film. And Roman जो है वो एक activist कॉलेज going student play कर रहा है. मैं एक film director का role play कर रहा हूँ, बहुत ही अलग type की film है. और जब मैं कहता हूँ अलग type की film है, यकीनन मैं आपको कहता हूँ कि Night and Fog जिस दिन release होगी, film industry में जिस तरीके से film बनाना चाहिए, वाकई में हमारे इंडस्ट्री में जितने भी लोग जो फिल्में बनाते हैं, आप लोग जो हैं, जो 65 साल से हमारे इंडस्ट्री को आप सपोर्ट करते रहे हैं, जो सच्चाई है हमारी इंडस्ट्री में, हम लोग उस ट्रूथ को फेस करेंगे बहुत ऑनेस्टली, बहुत सिंसियरली. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म अमंग्स अदर थिंग्स. वंस अगेन आई विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस म्यूजिक लॉन्च. आई एम श्योर इट विल डू वेल. And I wish these newcomers that are there with me, both Pia and Roman, all the very best. And great time है आजकल फिल्मों का बनाने का, new music videos and new music का, because there are so many avenues आजकल चालू हो गए हैं करने के लिए. So as long as आप अच्छा काम कर रहे हैं, honestly कर रहे हैं, sincerely कर रहे हैं, it's a great platform. And I wish all the new talent all the very best. Thank you. Thank you. यसी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की album है, क्या कहना चाहेंगे? ये इट्स अ म्यूज़िक वीडियो जो जी म्यूज़िक से आ रहा है हमारा. सो सबसे पहले तो मैं थैंक्स करूँगा राहुल भाजी का. मैं इनका छोटे होते से बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. हाँ जी, मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ छोटे होते, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये आए हैं. सो ये मुझे विश कर रहे हैं. सो इट्स हिट, थैंक यू सो मच. अरे इनके खुद के गाने, इनको खुद का प्रमोट करने दो गाने के. हमारे तो अमर हो गए, वो चलते रहेंगे. आई नो, वो करते रहेंगे, बट ही इज गॉट हिज ओन म्यूजिक. आई वॉन्ट हिम टू कॉन्सेंट्रेट, इनकी जो गाने हैं ही शुड डू दैट एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट. आई रियली विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट. और क्योंकर सीनियर है, बुली करूंगा उसके नेक्स्ट वीडियो के लिए. ओह, तो करेंगे अपन. बट आई रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर वीडियो. थैंक यू सो मच भाई. थैंक यू. ये साथ एक लाइन घुमाएंगे. मैं पाजी के साथ ही गाता हूँ. अरे कर लो यार, आप करो, मैं फॉलो कर, मैं फॉलो करता हूँ, आप करो प्लीज. कुछ भी आप कहेंगे प्लीज प्लीज. धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से जिंदगी चुराना. तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना. चलो, गॉड ब्लेस यू गाइस. थैंक यू वेरी मच. लव यू गाइस. थैंक यू. थैंक यू. ही इज़ अ फिनोमिनल सिंगर. I have been watching him on Facebook. My wife also has been watching him on the Facebook. He's a phenomenal singer. And all I can say is that we all wish him the very best. Ki zindagi mein aur tarakkiyan ho aur aasman ko chhue. Thank you. He's already there. Wo kehte hai na ki jab wo talent ke par lagte hain तो आसमान की ऊंचाइयां कुछ ज़्यादा ऊंची नहीं होती हैं. और इसके पास सब है जो चाहिए एक आर्टिस्ट में, एक सिंगर में जो चाहिए वो सब है. और मैं अपने आप को सिंगर से ज़्यादा प्रोड्यूसर मानता हूं, जो मैं काम करता हूं, म्यूज़िक बनाता हूं, ये करता हूं. मुझे सबसे ज़्यादा यही होता है कि गाना किस तरह से कोई गा रहा है,
मैं वो गा पाऊँ ना गा पाऊँ, पर दूसरा जो गाता है उसकी समझ हमें काफ़ी है, क्योंकि काफ़ी साल काम किया है और जितनी मेरी समझ है उसके मुताबिक मैं ये कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि यश का यश बहुत बढ़ने वाला है। और हम सभी ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से ये एंटरटेन करता आया है उससे और कहीं ज़्यादा हमें एंटरटेन सबको करता रहे, और जो आने वाली पीढ़ियाँ जो बच्चे हैं उनको भी थोड़ा सा संगीत की तरफ लेके जाए, क्योंकि आजकल ये है कि संगीत संगीत रहा नहीं है उस तरह से, और कुछ लोग हैं जो उसको संगीत को कायम रख के उसको आगे बढ़ाते हैं, उनमें से यश है। और मैं ये चाहूँगा कि बस ये इसी तरह से अपनी मेहनत करते करते और आगे बढ़े, और जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो भी इसको फॉलो करें और संगीत को सही मायने में लें, सिर्फ यही नहीं कि चार गाने कुछ तड़कते भड़कते गा दिए और आप फेमस हो गए और उसके बाद आपने कहा कि यार आई एम अ स्टार। स्टार जो है वो सिर्फ वही नहीं होता जो मशहूर हो जाता है, फेमस हो जाता है, स्टार सदा वो रहता है जो चमकता है अपनी अपने काम से, अपनी मेहनत से जो चमकता है वो असल में स्टार होता है। हालांकि ये आज पूरा चमक रहा है और ये चाहे ऐसे कपड़े पहने ना पहने ये चमकेगा, सदा चमकता दिखेगा हमेशा। माय बेस्ट विशेस टू यश। यश बस प्लीज जस्ट कीप डूइंग दैट ग्रेट वर्क दैट यू डू एंड कीप मेकिंग अस प्राउड विद एवरी अचीवमेंट दैट यू अचीव। सो ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ जी, पंजाबी ना लिख लेना है बट गा भी लिया दो एक दो गाने पंजाबी दे गाए भी है किसी फिल्म दे। आई डिड सिंग। वही होता है कि लोग कहते हैं कि नहीं जी, एक जो चल रहा होता है ना उसको लोग ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं गवा लेते हैं। मैंने तेलुगु फिल्म में भी गाना गाया, वो दोनों गाने हिट हुए। एक था जो रेडी फिल्म है उसका, जो ओरिजिनल रेडी फिल्म थी तेलुगु में, सो आई हैड संग द सॉन्ग फॉर इट एंड देन आई सैंग द सॉन्ग फॉर रेडी इन हिंदी एज वेल। सो इट्स फन। बाकी ये इतना अच्छा गाता है इसके सामने मैं क्या गाऊंगा, ये गाएगा कुछ सुनाएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। टुडे आई हैव कम एज अ लिसनर। आई वाज इन स्कूल व्हेन आई यूज्ड टू लिसन टू योर सॉन्ग्स, आई वाज इन कॉलेज। इट मेक्स मी फील गुड एट द सेम वेरी टाइम इट मेक्स मी फील लिटिल बैड आल्सो बिकॉज यू नो दे मेक यू फील लाइक एन अंकल व्हिच आई एम नॉट। सो ये क्योंकि आप प्राउड फील की जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज दैट इज़ अप फ्रंट, दैट इज़ इन द लीड, एंड व्हेन पीपल लाइक यश सिंह यू फील प्राउड। मैं मेरी यही कोशिश, मैं आते हुए यही कह रहा था, मैंने कहा कि यश से एक बार मैं यश के साथ काम करूँगा, एक कुछ गाना अलग सा करूँगा एंड आई लाइक टू डू इट एंड आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट हिम टू कम टू स्टूडियो एंड लेट्स वर्क टुगेदर एंड डू समथिंग डिफरेंट, बिकॉज यही लोग हैं जो मौसीकी को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं यही चाहूँगा, ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि यही लोग आगे और आगे। इंट्रोवर्ट, लॉट्स ऑफ लक एंड इट शुड बी अ बिग हिट। मिस अर्थ के लिए भी जाने वाला है। मैं 2 जून को मिसेज अर्थ के लिए निकल रही हूँ और मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। अब दिस इज़ लाइक फ्लोटिंग टाइम, जस्ट आई एम गोइंग, आई विल हैव बेस्ट ऑफ द टाइम, आई विल मेक लॉट ऑफ मेमोरीज विद लॉट ऑफ गॉर्जियस लेडीज एंड आई विल डू माई बेस्ट। थैंक यू सो मच।